हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल सा लो बन हेयर स्टाइल। साड़ी पे, लहंगे पे आप इसको बना सकते हो। तो चलिए कैसे बनाना है स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और सीमा उपाध्याय को करके कोई मेरी व्यूअर सब्सक्राइबर हैं जिनको मेरा हेयर कलर बहुत पसंद आ गया, तो डियर मैंने उनको बताया हुआ है पहले भी शॉर्ट्स वीडियो में, पहले की वीडियो में भी बताया कि कौन सा हेयर कलर किया। आज फिर बता दे रही हूँ, मैंने निशा का हेयर कलर किया, निशा गोल्डन हेयर कलर आप डालोगे। मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया था मीशो से, आप मीशो फ्लिपकार्ट किसी भी ऑनलाइन ऐप पे जाके आप ले सकते हो। निशा गोल्डन हेयर कलर हो गए तो आपको मिल जाएगा इजीली, और 200 समथिंग में पड़ा था मुझे, तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस तरीके से बालों की पार्टीशन कर रही हूँ। जब भी आप साड़ी पहन रहे हो तो बहुत लंबी मांग मत निकालिए, इतनी ही बहुत है। यहाँ से सिंपली इस तरीके से कॉम करोगे तो आपकी मांग छोटी हो जाएगी, और उसके बाद से आपको कॉम करना है एंड एक रबड़ बैंड लगाना है। लो बन बना रही हूँ तो आपको नीचे में रबड़ बैंड लगाना है। लंबे बाल है तो बहुत बेस्ट बनने वाला हेयर स्टाइल, अगर छोटे हैं तो मेरी तरह तो उसका भी मैं उपाय बता दे रही हूँ आपको। इस तरीके से रबड़ बैंड लगा देंगे, क्राउन एरिया में थोड़ा थोड़ा सा हेयर खींच लेना है इस तरीके से ताकि बहुत ज़्यादा फ्लैट लुक ना दिखे। फ्रंट से आपको हेयर को इस तरीके से निकाल लेना है, बाद में आप चाहो तो ये जो आपने हेयर निकाले हैं इनको आप कर्ल कर लेना तो और ज़्यादा अच्छा लुक आ जाएगा। ओके, अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप सिंपली इसको थोड़ा थोड़ा सा हेयर लेके और ट्विस्ट करते जाओगे इस तरीके से, सिंपली ट्विस्ट करके। यूपीएन से इसको सिक्योर करते जाओगे। और पूरा हेयर आपके स्टाइल लगता ऐसे ही बनेगा, मेरे जितने बाल हैं तो भी ये बन जाएगा, और छोटे हैं लंबे हैं तब तो बहुत अच्छा बनने वाला है। उसमें से एक जोड़ा पहन लीजिए इस वाले डब्बे में। इस तरीके से सारा दे दीजिए, हल्का हल्का ट्विस्ट करना है। नीचे में यूपिन जरूर लगा दीजिएगा जहाँ से कि हेयर उठे नहीं। अगर लंबे होंगे आपके पास तो ये वाला जो हेयर स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा राउंड घूमेगा, जिसकी वजह से आपको डोनट बन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होगी और आपका हेयर स्टाइल जो है वो काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव सा बन जाएगा। बट अगर छोटे हैं तो आपको इसमें डोनट बन यूज करना होगा। इतना बनाने के बाद से आप गजरा वगैरह अटैच कर सकते हो हेयर स्टाइल में। तो छोटे बालों के साथ भी इस तरीके से काफ़ी अच्छा सा बन आपका बन के रेडी हो जाएगा, जो साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा गजरा लगा रखे। तो अगर आप लो बन लहंगे पे बना रहे हो तो भी अच्छा लगेगा ये।
छोटे वालों में से किसी गजरा लगा के अपने बन को थोड़ा सा हैवी एंड बड़ा दिखा सकते हो, लंबे हैं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा। तो ये तो हो गया साड़ी के लिए बेस्ट हेयर स्टाइल फॉर शॉर्ट हेयर। एंड अगर लॉन्ग आपको शॉर्ट हेयर में और भी हैवी बन चाहिए, आपको गजरा नहीं लगाना है, तो आप डोनट बन ट्राई कर सकते हो। आई होप की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ये है आज का इजी और ब्यूटीफुल सा सेल्फ लो बन हेयर स्टाइल फॉर साड़ी। बाय।